बरसात का मौसम था। जंगल में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। उसी जंगल के एक घर में टुनटुनी चिड़िया और उसकी सास रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की सास टुनटुनी चिड़िया से ज्यादा खुश नहीं रहती थी। देखो टुनटुनी, तुम्हारे जिम में कोई काम तो रहता नहीं है, दिन भर सिर्फ तुम सोई रहती हो। मेरे बेटे के मरने के बाद तुम और आलसी हो गई हो, तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लगता है। तुम्हें देख देख कर मेरी सांसें फूलने लगती हैं। तुम किसी काम की नहीं हो। पता नहीं किस नसीब से मेरे घर में तुम गोबर की तरह आ गई। तब से ही हम लोगों के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। अपनी सास की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और कहती है, माँ जी, घर का कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं करती हूँ। घर का सारा काम करने के बाद ही मैं जाकर थोड़ी देर आराम कर पाती हूँ, लेकिन मेरा कोई काम आपको दिखता ही नहीं है। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया की सास बहुत ही गुस्से में आ जाती है और कहती है, चलो ठीक है, बड़ी आई कर्तव्य बनने वाली, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब की बार जंगल में बहुत ही अच्छी बारिश हुई है। मैं चाहती हूँ कि तुम खेत में जाकर जामुन की बहुत अच्छी खेती करो और मीठे जामुन पैदा करो। अगर जामुन पिछली बार की तरह खट्टे पैदा हुए तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। अपनी सास की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, ठीक है माँ जी, अगर आप चाहती हो कि मैं जामुन की खेती करूँ तो मैं इस काम को करने में पीछे नहीं हटूंगी। आप मुझे पैसा दीजिए, मैं बाजार से जाकर जामुन के बीज लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया की सास टुनटुनी चिड़िया को जामुन लाने के लिए पैसे देती है और टुनटुनी चिड़िया उसे पैसे को लेकर बाजार जाती है। बाजार में जाने के बाद वह बंटी कबूतर के पास जाती है और कहती है, बंटी भैया, मुझे जामुन के बीज चाहिए जिसको खेत में बोने के बाद मीठे मीठे जामुन के पेड़ तैयार हो। पिछली बार आपने बहुत ही खराब जामुन के बीज दिए थे, जामुन खाने में बहुत ही खट्टे थे, इसलिए इस बार अच्छे और मीठे जामुन के बीज देना। इसमें मेरी इज्जत की बात है, नहीं तो मेरी सास मुझे घर से निकाल देंगी। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर बंटी कबूतर कहता है, बहन, मैंने पिछली बार भी आपको जामुन के अच्छे बीज दिए थे, पता नहीं कैसे आपके जामुन खट्टे निकल गए। ठीक है, मैं इस बार आपको उससे भी अच्छा जामुन का बीज दूंगा। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को जामुन के मीठे और अच्छे बीज देता है, जिसको लेकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर आती है और खेत में जाकर जामुन के बीज को बोने लगती है। टुनटुनी चिड़िया जामुन के बीज को बो ही रही थी कि अचानक से कालू कौवा पीछे से आता है और वह जामुन के बीज को बदल कर लेकर भाग जाता है। कालू कौवा अपने घर जाने के बाद कहता है, मैंने पिछली बार भी टुनटुनी चिड़िया के जामुन के बीज को बदल लिया था और मेरे खेत में बहुत ही मीठे मीठे जामुन के पेड़ पैदा हुए थे, जिसको बेचकर मैं बहुत सारे पैसे कमाए थे। पिछली बार की तरह इस बार भी मैंने टुनटुनी चिड़िया के सारे बीज बदल लिए और टुनटुनी चिड़िया जान नहीं पाई। कुछ दिन बाद टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे के जामुन के पेड़ तैयार हो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया की सास खेत में आती है और जामुन को चखने के लिए आती है। अपनी सास को देखने के बाद टुनटुनी चिड़िया बहुत घबराई हुई थी कि कहीं पिछले बार की तरह जामुन खट्टे न निकल जाए। टुनटुनी चिड़िया की सास जामुन को चखकर कहती है, अरे वह टुनटुनी, इस बार तो जामुन बहुत मीठे मीठे हुए हैं। जामुन खाने के बाद मेरा मन बहुत ही खुश हो गया। यह जामुन बाजार में बहुत ही महंगे बिकेंगे। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत ही गलत गलत इल्जाम लगाए हैं। मेरी बहू लाखों में एक है। दुनिया में ऐसे सुंदर और कर्तव्यनिष्ठ बहू किसी की नहीं होंगी। टुनटुनी चिड़िया को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सास इतनी बदल गई है और उससे इतने प्यार से बात कर रही है। अपनी सास की बात सुनने के बाद टुनटुनी चिड़िया की खुशी का ठिकाना नहीं था। उधर कालू कौवे के खेत में बहुत ही खट्टे खट्टे जामुन पैदा हुए थे। कालू कौवे को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर उसके खेत में खट्टे जामुन कैसे पैदा हुए। यह कैसे हो गया, मेरे खेत में तो जामुन हमेशा मीठे मीठे होते थे, आखिर अब की बार सारे जामुन खट्टे कैसे हो गए। मैं इस बार भी टुनटुनी चिड़िया की बीज चोरी करके लेकर आया हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि यह जामुन आखिर खट्टे कैसे हो गए। इस बार मुझे लगता है गरीबी ही झेलना पड़ेगा।
बात ऐसी थी कि टुनटुनी चिड़िया पिछले बार का भी जामुन का बीज खेत में लेकर गई थी, ये देखने के लिए कि अब की बार पुराने वाले जामुन के बीज मीठे होते हैं या नहीं। कालू कौवा जान नहीं पाया और वह पुराने वाले ही बीज को लेकर चोरी से भाग गया था।